ये देखो जूता रखने का रैक, इतने डिवोटीज आते हैं कि जूता रखने के लिए नंबर दे रखा है। ये मेन मंदिर के सामने इतने बड़े जगह है ना, अब यहाँ पे 2-3 फुटबॉल मैच हो सकता है। कैमरा में शायद से कम दिख रहा होगा। एग्जैक्टली सारे डिज़ाइन निकालने के लिए कितना टाइम लगा होगा सोचो, पूरे डोर का बैक ट्रैवल रह गया। आगे यहाँ से भी मंदिर का एंट्री है शायद से, रोड क्रॉस कर लेता हूँ। यहाँ पे आगे मंदिर दिख रहा है आप लोगों को, है ना। ये वाले मंदिर में जाने के लिए आपको स्टेयर से चढ़ के जाना पड़ता है, मुझे याद है लास्ट टाइम आया था मैंने। तो यहाँ से शायद से अंदर जाना पड़ेगा, आई थिंक नो एंट्री रहेगा, पता नहीं। सारे टेम्पल ना 4 बजे खोल रहे हैं यहाँ पे, अभी बस ये खोल ले अंदर जाके थोड़ा दिख भगवान की दर्शन हो जाए बस। चलो भागो, ये देखो जूता रखने का रैक, इतने डिवोटीज आते हैं कि जूता रखने के लिए नंबर दे रखा है। जूता वगैरह खोल के आ गया मैं जहाँ पे आपको दिखा रहा था, और ये टोकन दे दिया जो दिल्ली मेट्रो वाला टोकन जैसा। फिलहाल अंदर आ गया हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा करके शूट कर लूँगा, ठीक है। भगवान का जो दर्शन है, जब दर्शन करूँगा उसका फ़ोटो नहीं दिखाऊँगा आप लोगों को, मैं चाहता हूँ आप लोग सब लोग यहाँ पर आके देखें, ठीक है। और ये एरिया पूरा मतलब जो 70 एकर्स जगह जुड़ा हो गया और बोल रहा था ना, ये मेन एरिया उसका, ठीक है। यहाँ पर सब लोग वहाँ पर बैठ के आराम भी कर रहे हैं। मेरे को लगा ना वो आगे वाला रोड है, पर रोड जैसा है पर मंदिर का ही एरिया है। 70 एकर, समझ रहे हो कितनी बड़ी जगह है, इसमें सिर्फ मंदिर ही मंदिर है। ये तो पूरा खाली है आज कसम से, मतलब अगर आप मेन पता नहीं कौन से दिन में ज़्यादा भीड़ होती है, शनिवार को होती होगी, शनिवार अगर हमें आओगे ना या फिर मंगलवार को, पूरा फुल रहता है। कौन चिल्ला रहा है, मैं बस ये डर में हूँ कि कोई ऐसे चिल्ला के बोले कि ये फ़ोटो खींचने वाला नहीं है, वीडियो करने वाला नहीं है। यहाँ पे माँ लिखा हुआ है, और ये रहा मेन मंदिर। अच्छा यहाँ पे अंदर भगवान का फोटो, भगवान है शायद। अच्छा रथ है, रथ। ऐसे हल्के से समझ आ रहा है ना हमको, यहाँ से देखो पूरा क्लीन आ रहा है ना। उसी में सवाल ना कि किसको नहीं हो रहा, नहीं आ रहा है। ये मेन मंदिर के सामने इतने बड़े जगह है ना, अब यहाँ पे 2-3 फुटबॉल मैच हो सकता है। कैमरा में शायद से कम दिख रहा होगा, बहुत बड़ा जगह है यार। और ये मंदिर पूरा एकदम रॉयल वाला फील दे रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसे इतने बड़े मंदिर में आया हूँ, लास्ट टाइम जो आया था आई थिंक ये देखा नहीं था मैंने शायद, या फिर याद नहीं आ रहा मुझे। फर्स्ट टाइम सामने इधर गार्डन है, हरा और सफ़ेद के बीच में मस्त दिख रहा है एकदम, बच्चे लोग वहाँ पे खेल रहे हैं देखो। पैर जल रहा है मेरा, कन्हैया जी का यहाँ पे मूर्ति है। इस साइड ना आई थिंक कलर हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे इतना चमक रहा है, और इस साइड कलरिंग हो रहा है अभी। ये आई थिंक ये साइड हो गया, सॉरी ये साइड हो गया, ये साइड बाकी है। देखो यहाँ पे लोखंड का पूरा सीढ़ी लगा बनाया यहाँ पे, और अभी भी बंदे लोग काम कर रहे हैं। इस साइड देखो कैसा थोड़ा डिसकलर्ड है, और उस साइड देखो कितना ब्राइट है, तो डिफरेंस समझ रहे होंगे। यहाँ पर नज़दीक आके देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि पुराने जगह में कैसे काम होता है, नक्शा कैसे कितने बारीकी से किया गया है। ये सारे लकड़ी का काम है, सोचो इतना सा मतलब नक्शा बनाने के लिए लोग कितनी परेशानी। ये देखो पेंच लगाया इसमें, पेंच देखो, तो ये पर्टिकुलरली ऐसे मतलब एग्जैक्टली सारे डिज़ाइन निकालने के लिए कितना टाइम लगा होगा सोचो, पूरे डोर का। ये तो बस दरवाज़ा है, ऊपर लोखंड का ये हैंडल यहाँ पे, और यहाँ पे देखो खम्भे का भी डिज़ाइन बनाया है। यहाँ पे शेर दिख रहा है ना, एक बार यहाँ समझ, सामने भी शेर लगा हुआ है, छोटी छोटी मूर्ति बना हुआ है, और आगे घोड़े शेर सारे बना हुआ।
और सामने बड़ा वाला येलो वाला दो शेर भी लगा हुआ है। पुराने जो टाइम पे जो मंदिर वगैरह बनते ना, बहुत ज़्यादा काम होता था, मतलब कम टाइम के अंदर बहुत अच्छा अच्छा काम होता था। अभी तो इतना नहीं होता है शायद से, बहुत शायद से होता होगा, मैं इतना नहीं देखा जो पुराने सारे मंदिर में इतना किया हुआ है। आई थिंक ये सारे इन लोगों को जो यहाँ पे रहते हैं ना, जो मंदिर का जो ख्याल रखते हैं, उन लोगों का रहने का जगह है शायद से ये। अरे शेर के बच्चे और बड़े बड़े शेर के असली होती है। मैं मर जाता आज खा लेता मेरे को। यहाँ पे छोटू सा ट्रैक्टर, प्रशासनिक कार्यालय, पैदल चलते तपती धूप में, कड़कती धूप में देखो पैर का हालत बहुत ख़राब हो रहा है मेरा। मतलब पैर के नीचे ना बहुत पतला स्किन है, क्योंकि हमेशा तो शू पहन के काम करता हूँ ना दुबई में, तो यहाँ पे ज़्यादा झटका लग रहा है मेरे को नीचे। हेलो सर, आई फ्रॉम इंडिया। Yeah, yeah. Okay. I stay in Dubai, by the way. Dubai? Yeah. You stay in Dubai? Yeah. Now I work there. Ah, work there. Yeah. Okay. I just came for like shooting some videos and. Yeah, you do video. I understand. I do video shooting. Ah, really? In YouTube? Yeah, not YouTube. Just. Video. You're making video. Ah, really? Ah, yeah. Just I mean normally video. Normal hours. Or for the social media maybe. No. Just for yourself. No. Then? Only video for me. Ah, yeah, exactly. No social media. Ah, yeah. Alright, where are you from, by the way? Russia. Russia? Ah. Russia has more. I see you, lot of people, and see you, where you are a traveler. Yeah. I stay here. You big back travel bag and camera. You are not a lot of people. Ah, yeah, true. I used to stay here like 8-9 years ago. 8-9 years ago? Yeah, then I moved to Mumbai. Uh-huh. From last 8-9 years I worked in Mumbai, then I moved to Dubai. Dubai. And Dubai. Oh, okay. You are IT specialist? Huh? You are IT specialist? No, not IT. I work in a hotel. Ah, hotel. Oh, yeah, okay. Restaurant. Okay. I have a lot of Russian friends over there. Yes? A lot. Yes, really. Yeah, I think so. I mean, they're very good. I mean, honestly. And India has good relation with Russia, so. Yes, very big. Yeah. Russian people, I think they love our culture also. There are a lot of devotees in our temples, many temples. If you go to ISKCON temple and many temples, you'll see like many devotees are there. Temples. And any temple like this in India? In Delhi, one more? No? In Delhi, honestly, I don't know. I mean, but there are more in UP. Uh-huh. Okay. And there are more in West Bengal, Kolkata, uh-huh. You know? These are the places where you'll find more of the ISKCON temple, that Mayapur. Mayapur. Yeah, you know Mayapur, right? Mm. It hard, maybe? Or not? No, maybe in future. In future, yeah. Because in the entry is free here. Correct. It's good. Yeah. Almost everywhere. I was in a Muslim mosque. Yeah. £300. Really? They're giving? Yes. And here is free as well. Yeah. Almost everywhere is free. I mean, yes, and even if somebody is charging, it's very cheap. Just be aware of the scams. Yes. Stay aware of that. Okay. All right. See you, man. Nice see to you. Talk to you. Thank you. What's your good name? I didn't get. What's your good name? Yuri. And you? Avenjan. Nice, man. Russia se hai bhiya. Russians bahut hai yahan pe. Aate hai aise. I think yahan pe temple ka kaam ho raha hai. Yahan pe ज़्यादा कुछ दिखने का है नहीं, फिर भी जो भी अच्छा दिख रहा है कलर सारे ना, जो भगवान के मंदिर के मंदिर में जो कलर होते हैं ना, जो पेंट करते हैं ना, वो चीज़ में ना, मतलब वो कलर में जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, पता नहीं ये सोच के रहता है या फिर सारे ऐसे ही सेम होता है, उनमें ही अलग सा फीलिंग होता है। देखो कलर, देखो आपको देखते ही मतलब मंदिर जैसा लग रहा है ना। मोस्टली सारे वाइट, ऑरेंज, क्या बोलते हैं, हल्का सा रेड कलर का सारे कॉम्बिनेशन रहते हैं। अच्छा होता है। यहाँ पे छोटे छोटे हाथी नमस्ते कर रहे, देखो यहाँ से सीधा निकल जाऊँगा अभी बाहर, ठीक है। सारे टेम्पल्स में, मोस्टली सारे टेम्पल्स में काम हो रहा है। देखो यहाँ पे पंडाल हो रहा है, पता नहीं क्या किसी का, कोई तो कुछ तो होने वाला है यहाँ पे। और देखो चारों तरफ यहाँ पे बाम्बू वगैरह पड़ा हुआ है। वो सामने वाले टेम्पल का देखो, आई थिंक कलरिंग वगैरह हो रहा है। देखो ये वाला वाइट ज़्यादा है, वो वाला फेड हो चुका है।
आई थिंक कलर हो रहा है आगे सामने से। रोड बंद कर रहे हैं क्या? मेरे को जाने नहीं दे रहे। चला आता हूँ पहले, एक मिनट। यहाँ पे हो गया दर्शन ख़त्म, बाहर निकलता हूँ सीधा। सामने वाले दूसरा मंदिर है, पर सच कहूँ तो मेरे को जाने का भी टाइम नहीं है यार। मेरे को यहाँ से निकलना है, खाना पीना खाना है, थोड़ा बहुत नहा लिया सुबह सुबह रूम से, क्योंकि रूम में तो चेकआउट करना पड़ा था। अभी यहाँ से सीधा जाऊँगा इंडिया गेट। इंडिया गेट में बहुत सारे चीज़ अंदर की चीज़ें कोई दिखाया नहीं मैंने, कल मैंने छोड़ दिया मेरे हाथों से। पे टोकन है, मैंने वो भैया को बोला था जूता मत डालो, मैं खुद अपने हाथों से डालता हूँ। वो अब सबके हाथों मतलब सबके जूते ना हाथों से डाल रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उनको बोला कि मैं डाल लेता हूँ, फिर बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं भैया। अरे थैंक यू भैया, ये लोग सेवा करके अच्छा फील करते। गाइस अभी मंदिर से बाहर आ गया, ठीक है, जूता वगैरह तो ले लिया आपने देखा होगा, आपने देखा। और अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा मुझे, और मेंटली पीस जो आपको बोला था वो भी मिल चुका है मुझे। बस अभी भूख लगी है, थोड़ा बहुत जाके कहीं पे खाना खा लूँगा। और ऐसे आपको बता रहा था ना कि जूता खोल के मैं गया था, वो ऑप्शनल है, वो मैक्सिमम लोग सारे तो जूता खोल के जा रहा था। जिससे मैं जो रशियन भाई से बात कर रहा था उसके पास वो जूता पहन के ही रखा था, पर अपना कल्चर क्या बोलता है, किसी का पैर छूना, मंदिर जाना, ये सब जूते पहन के नहीं हो सकता है, ठीक है, घर के अंदर जूता ये सब। तो इसके लिए हम लोग को मैं वो फॉलो किया जो अपना कल्चर में बोलता है। फिलहाल जाके एक रेस्टोरेंट ढूंढूंगा, तो मस्त करके खाना खा के आराम करके निकल जाऊंगा इंडिया गेट। नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है इंडिया गेट, जो कि लास्ट टाइम फ्लॉप हो गया था, फिर मैं ब्लॉग डाल दिया मैंने, ठीक है। आज का वीडियो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा लगा। कड़कती धूप में मैं वीडियो कर रहा हूँ, मुझे पता है शायद से इतना क्वालिटी नहीं आ रहा क्योंकि मैं टायर्ड हूँ यार। अभी लास्ट 5-6 दिन से आप लोगों ने देखा होंगे कैसा कितना मतलब हेक्टिक स्केड्यूल है मेरा। वहाँ से पहले कोलकाता गया, कोलकाता में ऐसा ब्लॉग कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, फिर यहाँ वहाँ से दिल्ली आ गया, फिर धूप में मैं सामान वगैरह खरीद के कुरियर करके बिना खा पी के गया, फिर रात को नींद भी नहीं हुई है। हॉस्टल में रह रहा हूँ, सब लोगों का शोर शराबा भी होता है थोड़ा बहुत, तो दिक्कत होती है बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारी चीज़ों का। तो फिलहाल आज के लिए ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय। बनाओ भैया एक, हाँ ज़्यादा पानी वाला, बड़ा वाला दे दो यार। उसमें क्या पानी नहीं देता ये वाले में? पानी नहीं देता, हल्की मलाई लिख रही है। हाँ दे दो, मलाई भी खाना है, सब खा लेंगे। मोटी मलाई बन गई है ना इसका? नो कोई बात नहीं, तो है मलाई करके पेट भर जाएगा, खाना खाने आता है रेस्टोरेंट में, मलाई करके पेट भर जाएगा।